हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनी आप सभी का अपने किचन में बहुत स्वागत करती हूं। तो मेरी आज की रेसिपी है मटन करी रेसिपी। आई होप आप सभी को ये रेसिपी बहुत पसंद आएंगे। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट रेसिपी। मटन करी की इस लाजवाब रेसिपी को बनाने के लिए हमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स की आवश्यकता है, सबसे पहले हम आपसे वो शेयर करते हैं। तो हम लेंगे यहाँ पे फ्रेश मटन, जिसे हमने धोकर साफ कर लिया है। प्याज लेंगे, सरसों का तेल लेंगे, ग्राइंड किया हुआ अनियन लेंगे यानी अनियन पेस्ट, हल्दी पाउडर, नमक, अदरक लहसुन का पेस्ट लेंगे, जीरा और काली मिर्च का पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और नॉर्मल लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, टमाटर, धनिया पाउडर, कुछ तेज पत्ते, नॉर्मल जीरा, लाल मिर्च और शाही जीरा। अब हम चलते हैं आगे के प्रोसेस में। तो सबसे पहले हम मटन को यहाँ पे मैरिनेट करेंगे, जिसके लिए हम यहाँ पे 2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर लेंगे, 2 छोटी चम्मच नमक लेंगे, 2 बड़े चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट लेंगे, 2 बड़े चम्मच अनियन पेस्ट लेंगे यानी कि ग्राइंड किया हुआ प्याज, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर और सभी को हाथों से मिक्स कर लेंगे और 10 मिनट तक हम इसे ढक कर रखेंगे। मटन जब तक मैरिनेट हो रहा है, हम चलते हैं आगे प्रोसेस में। तो हम यहाँ पे कुकर को गर्म कर लेंगे, उसमें 5 से 6 बड़े चम्मच सरसों का तेल ऐड कर देंगे। तेल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। अब हम इसमें नॉर्मल जीरा 1/2 छोटी चम्मच डाल देंगे, 1/2 छोटी चम्मच शाही जीरा डाल देंगे, 2 लाल मिर्च और तेज पत्ता डालकर इसे ब्राउन कर लेंगे। जब ये ब्राउन हो जाएगा तो हम कटे हुए प्याज को इसमें डालकर इसे भी भून लेंगे। सभी को हम अच्छे से चलाते रहेंगे और प्याज को 50% हम भून लेंगे। प्याज का कलर चेंज होगा तो हम इसमें कटे हुए टमाटर को मिक्स करके इसे भी भून लेंगे। सारे मटेरियल्स को हम अच्छे से भूनेंगे और इसे बीच बीच में चलाते रहेंगे। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट मिलाकर इसे भी भून लेंगे। एक बात का आप ध्यान रखें कि कम समय में अगर आपको मटन बनाना है तो बिना मटन को मैरिनेट किए भी बना सकते हैं। मटन को मैरिनेट करना यहाँ पे बिल्कुल ऑप्शनल है। इसी के साथ हम मसालों को भी भून लेंगे। तो सबसे पहले हम हल्दी डाल लेंगे और इसे 5 से 10 मिनट तक भून लेंगे। नमक हम सबसे लास्ट में डालेंगे, क्योंकि नमक डालने के बाद मटन से मॉइस्चर रिलीज होने लगते हैं, जिससे कि मटन अच्छे से नहीं भून पाते हैं। मटन अच्छे से भून जाए इसलिए हम नमक लास्ट में डालेंगे। अब हम यहाँ पे धनिया पाउडर डाल लेंगे और इसे भी मिलाकर 5 मिनट तक भून लेंगे। जब प्याज और मसाले 50% भून जाए तो हम इसमें मैरिनेट किया हुआ मटन ऐड कर लेंगे और इसे भी अच्छे से भूनेंगे। सभी को स्पैचुला से मिलाकर इसे 15 से 20 मिनट तक हम भूनेंगे। जब मटन अच्छे से भून जाएगा तो इसका टेस्ट बहुत ही परफेक्ट होगा। बीच बीच में हम इसे चलाते रहेंगे 2-4 मिनट पे, जिससे कि मटन अच्छे से भून जाए और ये बेस में बिल्कुल भी नहीं चिपके। मटन को इस वक्त भूनते समय अगर आप अभी अभी नमक डाल देंगे तो इससे पानी निकलने लगता है, जिससे कि मटन भूनते नहीं हैं। इसलिए एक बात का आप ध्यान रखिए, जब मटन अच्छे से भून जाए तभी इसमें नमक ऐड कीजिए। तो अब हम इसमें लाल मिर्च पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर मिक्स कर लेंगे और इसे भी 4 से 5 मिनट तक भूनेंगे, क्योंकि मसाले भी तो भूनना ज़रूरी है ना। जब सारे मसाले भून जाएंगे तो इसका कलर चेंज होने लगेगा। तो अब हम इसमें काली मिर्च पाउडर मिक्स कर लेंगे और इसे भी 2 मिनट तक भून लेंगे। सारे मटेरियल्स अच्छे से भून चुके हैं, आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज होने लगा है। तो लास्ट में हम इसमें इंस्टेंट फ्लेवर के लिए मीट मसाला ऐड कर देंगे। तो आप यहाँ पे मीट मसाला किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। अब इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। तो सारे मटेरियल्स अच्छे से भून चुके हैं, अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे। मटन बनाते समय नमक लास्ट में डालने वाला ये ट्रिक आप जरूर अपनाइएगा, आपका मटन बहुत ही डिलीशियस बनेगा। तो सारे मटन अच्छे से भून चुके हैं, मसाले भी अच्छे से भून चुके हैं। तो आप देख सकते हैं, आपको दिखने से भी पता चल ही जाएगा कि मटन अच्छे से भून चुके हैं। तो अब हम इसमें पानी डाल देंगे। ग्रेवी की कंसिस्टेंसी आप जिस तरह की रखना चाहते हैं उसी के अकॉर्डिंग पानी डालें। तो पानी डालने के बाद हम इसमें
ढक्कन से इसे कवर कर लेंगे और मीडियम फ्लेम पे 3 सीटी लगने देंगे। 3 सीटी लगने के बाद हम गैस को ऑफ कर देंगे। जब कुकर ठंडा हो जाएगा तब हम इसमें गरम मसाला और धनिया पत्ती ऐड करेंगे, जिससे कि इसका टेस्ट बहुत ही डिलीशियस हो जाएगा। तो कुकर ठंडा हो चुका है, अब हम इसे खोल कर देख लेंगे। आप देख सकते हैं कश्मीरी लाल मिर्च डालने का ये कमाल है, जिससे कि इसका लुक इतना परफेक्ट है। तो अब हम इसमें गरम मसाला डाल देंगे और बारीक कटी हुई धनिया पत्ती डाल देंगे। दोनों को मिक्स कर लेंगे और ढक्कन से इसे कवर करके 10 मिनट तक हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे, जिससे कि कुकर में जो भी स्टीम बन रहा है उससे गरम मसाला और धनिया पत्ती का सारा फ्लेवर मटन में कोट हो जाएगा। तो अब हम इसे चेक कर लेंगे, 10 मिनट हो चुके हैं। तो इसकी ग्रेवी, इसका टेक्सचर बहुत ही परफेक्ट है। एज वेल इसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तो आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर कितना अच्छा है। इसकी ग्रेवी भी आपको बहुत पसंद आएगी। तो सेम प्रोसेस से आप भी इस रेसिपी को बनाइए, खाइए और अपना अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।